नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास शास्त्री। मित्रों, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत और परिश्रम तो बहुत करते हैं, लेकिन उस अनुसार उन्हें सुख सुविधा और भोग विलास की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे उनके हृदय में यह दुख बना रहता है कि हमें भी कभी जीवन में सुख और समृद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मित्रों, कहीं इसका कारण कोई और ना होकर वो स्वयं तो नहीं है? इसी विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो जान लें, मेहनत का कारक शनि होता है और लक्ष्मी का कारक सुख और भोग विलास का कारक शुक्र को माना जाता है। आप मेहनत करते हैं, आपका शनि आपको आपके अनुसार परिश्रम का फल नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप शुक्र से संबंधित चीज़ों को अवॉइड तो नहीं करते हैं। अब हम जानते हैं कि शुक्र से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। किसी भी जातक का शुक्र तब खराब होता है जब वह नारियों का अपमान करता है, जब वह अपने कपड़ों की प्रॉपरली साफ सफाई नहीं करता है। कपड़े उसके थोड़े बहुत कहीं कटे हों या फटे हों, तब भी वह वस्त्रों को धारण करने से निषेध ना करे। किसी भी बिस्तर पर आराम से वह सोने की कोशिश करे और अपने शरीर की भी सफाई पूर्णता ना करता हो। इन तमाम स्थितियों से शुक्र नाराज होते हैं। नारियों को सुख ना देकर, सम्मान ना देकर भी शुक्र खराब हो जाते हैं, और आपके शुक्र जब खराब होंगे तो जो परिश्रम का परिणाम सुख वाला हिस्सा आना चाहिए वो आपके हिस्से में नहीं आएगा। मैंने तो बहुत बार ऐसा देखा कि लोग खुद कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसका भोग कोई और करता है। घर का कोई मेंबर खूब अच्छे से रहता है, खूब अच्छे कपड़े पहनता है, सुख से जीवन जीता है। अब ध्यान देने वाली बात है, उसने अपने शुक्र को एकदम सही कर रखा है, उसे बिना मेहनत के ही भोग की प्राप्ति हो रही है। वहीं आप मेहनत करते हैं लेकिन आपको वो सुख सुविधा और भोग विलास नहीं प्राप्त होता है। मित्रों, जब शुक्र खराब हो जाएगा उसके और भी परिणाम आएंगे। पहली बात, आपका आकर्षण कम हो जाएगा, शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी, शुगर आदि जैसी असाध्य बीमारियां आपको घेरनी शुरू कर देंगी। मित्र, आपको नारियों से उपेक्षा प्राप्त होगी। अगर आप नारी हैं तो पुरुषों से उपेक्षा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। नारियों में बृहस्पति खास तौर से इस चीज़ के लिए कारक माना जाता है, पुरुषों में शुक्र नारी के लिए स्पेशल माना जाता है, इसलिए नारियों पर उतना गहरा प्रभाव नहीं आएगा जितना पुरुषों पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। मित्रों, ये रही समस्या की बात, समाधान क्या करना है? सबसे पहले तो समाधान ये करना है कि जो चीज़ें हमने कही कि जैसे आप वस्त्र का ध्यान नहीं देते, ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप थोड़ा सा अपने शरीर की सफाई के साथ साथ इत्र आदि का प्रयोग भी करना शुरू कर दीजिए। एक अच्छी हल्की खुशबू आपके पास बनी रहनी चाहिए, इससे शुक्र प्रसन्न होते हैं। नारियों को रिस्पेक्ट दीजिए, नारियों का सम्मान करिए। नारियों को कोई न कोई चीज़ जो उनको अच्छी लगती हो उन्हें गिफ्ट करें। शुक्रवार के दिन भूल कर भी आप खट्टी चीज़ ना खाएं और खट्टी चीज़ घर पर ले भी ना आएं। देखिए, धीरे धीरे आपका शुक्र मजबूत होना शुरू होगा, तो कार्य के साथ साथ आपको भोग विलास और सुख सुविधा की भी प्राप्ति होने लगेगी। ऐसे लोग ज़्यादातर अपनी गाड़ी को, चाहे वो साफ रहे चाहे गंदी रहे, उसका उपयोग करते रहते हैं। मित्रों, ऐसा कतई न करें, नहीं तो आपका शुक्र खराब होगा, आपको संघर्ष और मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परिणाम कम प्राप्त होगा। वहीं जब आपका शुक्र अच्छा रहेगा तो आपको मेहनत के साथ साथ परिणाम भी कई गुना ज़्यादा
प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम परिश्रम से ज़्यादा चीज़ें पाई हैं, और बहुत से लोग हैं जो ज़्यादा परिश्रम करते हैं और उन्हें परिणाम भी कम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर शुक्र और शनि का एक व्यवहारिक प्रयोग बताया जो आम जनमानस में लोग प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर आप स्वयं को साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहनकर रखने वाले बनाते हैं तो इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। नारियों को सम्मान देना अच्छा माना जाता है, भारत में वैसे भी नारियों को देवी माना जाता है, तो नारी का आप सम्मान दीजिए। इसी तरह की आवश्यक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। कुंडली दिखानी हो या अपने वास्तु के बारे में हमसे डिस्कशन करना हो, दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।